गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम आपके सामने 2019 की PYQ लेके आए हैं। और बच्चों, 2019 की PYQ को देखते हैं हम इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पॉलिटी से रिलेटेड, और उनमें से कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है या कौन सा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, या उनकी स्टेटमेंट को किस टाइप से पूछा गया है, और आगे उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQ का। ये हमारा 2019 से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। एनडीए 2019 के फर्स्ट का क्वेश्चन है, एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, एक चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है। बच्चों, चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर जो होता है इलेक्शन से रिलेटेड काम करता है, और इलेक्शन से रिलेटेड काम जो होते हैं, जिस प्रकार कोई स्टेट में इलेक्शन है, सेंटर में इलेक्शन है, या जो स्टेट चुनाव आयुक्त होते हैं उनके ऊपर देखरेख करना, या उनके द्वारा जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, संपन्न करवाए जा रहे हैं, वो चुनाव क्या फेयर है या नहीं है, या चुनाव में किसी भी टाइप का कोई इलीगल तरीके से इलेक्शन ना हो, ये सारा काम करना उनका प्रमुख काम होता है, इन सबको देखना। तो बच्चों देखते हैं, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बच्चों ये बिल्कुल गलत है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बिल्कुल सही बच्चों, इलेक्शन कमिश्नर ही उसे हटा सकता है चुनाव आयुक्त को। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत, द पार्लियामेंट, ये भी गलत। और ये क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह क्या हुआ है, रिपीट हुआ है 2016 से, फिर कब आया 2019 में, रिपीट होके क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट रिपीट होके। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, इसलिए PYQ कंपल्सरी करना है आपको। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2019 फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। Which one of the following statement regarding the Rajya Sabha is not correct? और not correct की जब बात आती है बच्चों, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी not correct की बात आती है तो आप correct statement देख लिया करो। अब जो correct statement बच गई, जो correct statement से बच गई, वो क्या रहेगी आपकी, not correct रहेगी, सिंपल सा आंसर रहेगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें not correct कौन सी है। Its member are elected by the elected member of the legislative assembly of a state. भाई राज्यसभा से related question है। इसके सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल right statement। लेकिन इन्होंने क्या पूछा? Not correct. The election follows the system of proportional representation by means of a single transferable vote. बिल्कुल right statement बच्चों, single transferable vote के द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है, यानी कि पूरी की पूरी public इनके election में participate नहीं करती। तीसरा, 1/3 of its member retired after every 2 years. देखो बच्चों, ये statement फिर से repeat हुई 2016 में, यही statement थी कि कितने percent लोग राज्यसभा से रिटायर्ड हो जाते हैं, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो 6 साल का कार्यकाल होता है, और 1/3% पीपल जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी राइट रहेगी। अब इन्होंने पूछ क्या रखा है, नोट करेक्ट। अब जो फोर्थ बची है उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, इट इज ए परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्वड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। ये है एक स्थायी निकाय है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग किया ही नहीं जा सकता, ना राष्ट्रपति कर सकता है, ना उपराष्ट्रपति कर सकता है, ना प्रधानमंत्री कर सकता है, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो इसको भंग कर सके। तो आपका राइट स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चों, डी रहेगा, आंसर इसका डी रहेगा। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया जाए बच्चों, और इन्होंने ये पूछ ले कि कौन कौन सी राइट है, और फिर दे दे 1, 2, 3, 1, 2, neither 1 or 2, ऐसा करके स्टेटमेंट दे दे, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों, ये भी हमारा एनडीए 2019 फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एनडीए 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। भाई 20 और 21, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो सभी के लिए उपलब्ध है। एग्जाम्पल 20 की बात करें तो अपने खिलाफ गवाही देना, गिरफ्तारी से निरोध, 21
मैंने बताया था, पीछे भी स्टेटमेंट बताई थी, लाइफ एंड लिबर्टी, आजादी से जीवन जीने का अधिकार। इसमें बहुत से अधिकार हैं, सोने का अधिकार, लिखने का अधिकार, 4 बजे से पहले पुलिस आपके घर नहीं जा सकती, अपने मनपसंद म्यूजिक सुनने का अधिकार। तो बच्चों ये अधिकार तो सबको प्राप्त है, सोने का अधिकार तो पूरे वर्ल्ड को ही है, कोई भारतीय अलग थोड़ी ना इससे, लेकिन आर्टिकल 19 अलग है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 19। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, एनडीए 2019 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, और एनडीए 2019 फास्ट की जब हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, भाई 40 के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख किसमें किया गया है? अब देखो आर्टिकल 46 है किसमें, मैंने बताया डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या दिया गया बच्चों? रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए अलग से आर्टिकल है, अलग से। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। अब यहां पे क्या आ गया? वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन का मतलब भाई अकेली शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वीक नहीं है, कोई जनरल कैटेगरी का है तो वो भी वीक हो सकता है, इकोनॉमिकल वीक तो वो भी हो सकता है। तो बच्चों यहां पे जो बी स्टेटमेंट रहेगा वो पूरी तरह राइट रहेगा। इसके बाद थर्ड को देखते हैं, डिस्प्लेसिड पर्सनल पर्संस फ्रॉम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, भाई ये भी पूरी तरह गलत स्टेटमेंट है, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्ति, गलत है। अगली देखते हैं, द इकोनॉमिकल डिप्रेविड, आर्थिक रूप से वंचित, ये भी गलत है। तो आपकी राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी? बी रहेगी, यानी कि आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। जय हिंद जय भारत। और कल हम फिर से एनडीए 2020 की पीवाईक्यू लेके आपके सामने आएंगे, और 2020 में कितने क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड आए थे तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे।